जेल, जिसका नाम सुनते ही लोग जुर्म करने से पीछे हट जाते हैं, या कुछ लोग जुर्म कर बैठते हैं तो वो जेल के जो किस्से सुनाते हैं उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने अब तक देश की जेलों की क्षमता से अधिक कैदियों के रखने की बात सुनी और पढ़ी होगी, लेकिन क्या कभी ऐसी जेल के बारे में सुना है जिसमें सिर्फ एक कैदी बंद है? दरअसल गुजरात राज्य की तरफ एक छोर पर देखेंगे तो ऐसा ही कुछ दिलचस्प नज़ारा दिखाई देगा, जिसे देखने के बाद आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। यहां आपको समुद्र किनारे एक आलीशान इमारत नजर आएगी जो समुद्र के बीच में दिखाई देती है, जो किसी महल की तरह दिखती है, लेकिन यह महल नहीं है बल्कि यह एक जेल है। इसी जेल में बंद है सिर्फ एक कैदी। दरअसल हम बात कर रहे हैं द्वीप की। द्वीप को केंद्र शासित राज्य के रूप में जाना जाता है, जहां की जेल इतनी भव्य है कि आपको भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। बता दें, किसी जमाने में यह जगह पुर्तगाल की कॉलोनी के भीतर आती थी। यह जेल करीब 475 साल पुरानी है, जहां अब सिर्फ एक कैदी बंद है और इस कैदी का नाम है दीपक कांजी। दीपक की उम्र 30 से 35 साल है। उस पर अपनी पत्नी की जहर देकर हत्या करने का आरोप है। इस जेल में दीपक सिर्फ अकेले रहता है, इसलिए उसकी सुरक्षा में 5 सिपाही और एक जेलर की तैनाती की गई है। जेल में सभी की शिफ्टें घंटों के हिसाब से तय की गई हैं। बता दें कि साल 2013 में इस जेल को बंद करने की घोषणा कर दी गई थी, तब से यहाँ कैदियों का आना बंद कर दिया गया। कुछ साल पहले यहाँ 7 कैदी हुआ करते थे, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उनमें से 4 का स्थानांतरण गुजरात की अमरेली जेल में कर दिया गया। वहीं 2 कैदियों की सजा की अवधि पूरी हो गई थी, इसलिए उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके चलते अब यहाँ सिर्फ एक कैदी बचा है। दीव जेल में ड्यूटी पर तैनात सिपाहियों के मुताबिक एक कैदी के लिए समय बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है। आंकड़ों के मुताबिक दमन और दीव में प्रत्येक कैदी पर सरकार को 32,000 रुपये खर्च आता है, जो कि अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। बता देंगे, जिस बैरक में दीपक रहता है वहाँ 20 कैदियों की बैरक है। इसके लिए खाने का बंदोबस्त पड़ोस के ही एक रेस्टोरेंट से किया गया है। वहीं उसे जेल में कुछ समय के लिए दूरदर्शन और अन्य धार्मिक चैनल देखने की अनुमति है। उसे जेल के भीतर गुजराती अखबार और मैगजीन भी दी जाती है। इसके अलावा शाम 4 से 6 बजे तक के बीच वह 2 सिपाहियों के साथ खुली हवा में टहल भी सकता है। तो दोस्तों, यह था किस्सा एक अनोखी जेल का जिसमें सिर्फ एक कैदी रहता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।